ग्राम सभा जरावन के पूरनपुर में मौजूद हैं और 5 दिनों से यहाँ पे अंबेडकर पार्क पूरनपुर में बौद्ध कथा का आयोजन हुआ था और आज जो है लास्ट जो है दिन है और यहाँ पे भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीछे हमारे देख रहे होंगे कि बाबा साहब की मूर्ति है, जिस तरीके से 5 दिनों तक यहाँ पे कुलदीप बौद्ध जी लोगों को समझा रहे हैं और बाबा साहब को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पे कथा सुना रहे हैं, तो इसी बीच हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ लोगों को सीख मिल रही है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है और इंडिया के सोच न्यूज चैनल को स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। इससे पहले भी जानकारी मिल रही कि यहाँ पे आप आए थे और बौद्ध कथा का आयोजन भी हुआ और दोबारा भी यहाँ पे पूरनपुर की जनता ने आपको बुलाया है, क्या कुछ लग रहा है कि यहाँ के लोगों में कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं? यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, इतना ज़्यादा पड़ा है। लगातार कार्यक्रम होता चला आया है और 3 बार शायद हम भी आ चुके हैं, 3री बार ये है और काफ़ी दिनों से 7-8 सालों से प्रोग्राम चल रहा है और जागरूकता करते करते लोगों में बड़ी अच्छी जानकारी मिली, माताएं बहनों को भी सुधरने का मौका हम लोग इस तरीके से आप बताते हैं कि पीछे क्या हुआ था, आपके पूर्वजों के साथ हुआ था, अब आने वाली पीढ़ियों को आप बता रहे हैं। इससे जो अदर लोग हैं वो काफ़ी विरोध भी करते हैं, कभी कभी हमने देखा है कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, संविधान को नहीं माना जाता है। आज आप देखेंगे कि संविधान के बनाए पर ये जो समाज चल रहा है, फिर भी संविधान को क्यों नहीं मानते? संविधान को मानना ही चाहिए, संविधान नहीं होगा तो हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये संविधान नहीं था उससे पहले हमारे गले में गगरी, कमर में झाड़ू और बहुत सारी पीड़ित लोगों को जूठन खाने का भी मौका नहीं दिया जाता था, बहुत परेशान हुआ करते थे हम लोग। और हमारी माताएं बहनें, हमारे साथी लोग संविधान से ताकत मिली है, आज हम मंच पे बोले वो भी संविधान की ताकत है। और इसीलिए बाबा साहब ने बहुत ही अच्छा हमको एक मूल मंत्र दिया है शिक्षा का, जो हम सभी को लेकर चलना पड़ रहा है। संविधान इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान को ही बचाना। समाज को सुधारने के लिए आप कोई ज्ञान बताते हैं और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है और फिर भी आप देखते हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं और वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे हैं, फिर भी आप जो पीछे बीत चुका है उसके बारे में ज्यादा बताते हैं और आने वाले समय में कैसे इन लोगों को रहना है, कैसे इन्हें शिक्षा प्राप्त करनी है, ज्यादा से ज्यादा ये समझाने का आप प्रयास क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा मानना है कि शिक्षा ही से सब कुछ हो सकता है, जो बाबा साहब ने दिया था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा शेर कितने दहाड़ेगा। तो शिक्षा बेस्ट पॉइंट हमारे सिस्टम का है, शिक्षा ही सब कुछ है और शिक्षा से ही हम सारे तालों की चाबी पा जाएंगे और सारे ताला खुल जाएंगे उससे, क्योंकि शिक्षा के द्वार ही हमारे लिए सबसे बेस्ट हैं। क्योंकि हम लोग एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस देते हैं कि हमारी माताएं बहनें, लड़का हो या लड़की हो, सबको बेस्ट पढ़ाई दीजिए, जितना भी कम खाली चले लेकिन पढ़ाई के स्तर में सबको आगे जाना चाहिए। नशा मुक्त को लेकर के बात करते हैं कि जो लोग हैं नशा ना करें, शराब पी करके परिवार को मार पीट ना करें, फिर भी आप देखते हैं कि जब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो नशा करके बैठे। जी हाँ, बहुत सारे लोग नशा करके बैठते हैं, परंतु प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पूरनपुर में इतने दिनों से प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ के काफ़ी लोग सुधर चुके हैं और नशा को छोड़ चुके हैं और छोड़ते भी चले, आज भी कुछ लोग छोड़ेंगे, प्रण करेंगे। कथा का जो आप कथावाचक हैं और काफ़ी दिनों, कितने दिनों से आप इस समथिंग 10 साल प्लस हो गया है वो कहते हैं। 10 वर्षों में आप कहाँ कहाँ पे आपने भ्रमण किया और क्या लग रहा है कि समाज में कुछ सुधार हो रहा है? बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है, ये तो नहीं बता पाए कहाँ कहाँ भ्रमण किया, क्योंकि याद नहीं रहता है, इतना ज़्यादा दूर दूर जाना होता है। मेरा स्टेज प्रोग्राम बड़े लेवल पे भी होता है, या तो कथा का सिस्टम है बहुत बड़े लेवल पे भी होता है। तो संविधान क्या है? संविधान ही हमारी पहचान है, संविधान से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, मौलिक अधिकार, महिलाओं को अधिकार जो मिला है, मेन पॉइंट संविधान से है। संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं जी पाएंगे, संविधान ही बेस्ट है। क्षेत्र में आए हैं क्या कुछ सिखा कर जाएंगे? हम देखा जाए तो बुद्ध के बात को लेकर चलते हैं, पंचशील जो हमारे जीवन का मूल मंत्र है, और अगर हक अधिकार की बात आए तो हम संविधान की बात करते हैं,
बुद्ध और बाबा साहब दोनों की चर्चा ही सुनाते हैं, और जितने भी महापुरुष हैं हमारे देश के सबको हम चर्चित में लाते हैं, सबको सिखाते हैं क्या उन्होंने किया, क्या संघर्ष किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ। और